हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 दिन से मैं आपके सामने जो वीडियोस ला रहा था वो अक्सर मोन्स्टेरा के वैरायटीज़ के ऊपर था। पहले मैंने इस मोन्स्टेरा डेलिशियोसा के बारे में बताया, फिर मैंने बताया इस छोटे से मोन्स्टेरा एडनसोनियाई के बारे में मैंने बताया एक वीडियो। अब जो है वही मोन्स्टेरा एडनसोनियाई की ही एक दूसरी बेल है मेरे पास जो बड़ी हो चुकी है। मैं बस कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में कि देखिए, इस मॉस पोल या फिर मॉइस्ट पोल को ऐड करने से क्या फ़र्क आया है। ये वाली जो मैंने कल आपको दिखाई थी, इसमें इसके जो पत्ते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरी उंगली के बराबर है, यानी कि 3 इंच होंगे, या राइट 3 या 4 इंच के हैं, बस उतने ही। नॉट सो बिग, नॉट सो थिक, नथिंग। उतने चौड़े नहीं हैं, उतने लंबे नहीं हैं। लेकिन इस पॉट में मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। मैंने लिया एक एक बेलक, एक लकड़ी का टुकड़ा मैंने लिया जो हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल थे उस वक्त। तो मैंने उसके ऊपर क्या किया, ये जो जूट की जो रस्सी आती है मैंने उसके ऊपर लपेट दी। लपेटने के बाद आई डोंट नो जूट की है या कोकोनट की, आई डोंट नो, लेकिन हमारे यहाँ जो सुतली कहते हैं, मैंने उसको लपेट दी। ये देखो, ये तकरीबन 3 फीट का होगा, 2.5-3 फीट का। मैंने उसको ले लिया, उसको लपेट दिया, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, नीचे मैंने उसको प्लांट कर दिया। प्लांट को, मॉन्स्टेरा को मैंने प्लांट कर दिया, एडनसोनियाई को। एंड देन यू सी इसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि ये जो रस्सी है ये पानी को पकड़ती है, होल्ड करती है, इट होल्ड सम वाटर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पानी, ये इसके जो एरियल रूट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एरियल रूट्स ने कैसे लपेट लिया है पूरे पेड़ को। नीचे मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक अंदर चले गई, ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारे रूट्स हैं जो इस मॉस मॉइस्ट पोल को, मॉइस्ट पोल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉस पोल जो होता है वो डिफरेंट होता है। ये सिर्फ गीला कच्चा रखने के लिए हमने इसको बनाया है, मैंने खुद ने अपने हाथों से मैंने बनाया। यहाँ पे देखिए, सो दीज रूट्स, ये जो रूट्स हैं ये इसके अंदर जाते हैं और पानी को चूसते हैं, पानी को लेते हैं वहाँ से, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो यू विल सी कैसे इसने ग्रैब किया हुआ है, कैसे इसने ग्रैब करके सारे के सारे जो रूट्स हैं वो अंदर चले गए। इवेंचुअली वो अंदर जाएंगे और इसको लपेट लेंगे, और इससे जो भी पानी आएगा वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है इसकी, इसका साइज़ देखो, ये मेरे पूरे पाम के बराबर है, मेरे हाथ के बराबर है, ठीक है। इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। आई थिंक वी हैड दैट, सम ऑफ द लीव्स वेर मच बिगर। यहाँ पे ये देखो, ये है, ये साइज़ है, और यहाँ पे जो नए लीव्स आ रहे हैं, यू कैन लुक एट दैट हाउ ब्यूटिफुली द लीव्स कम आउट, ठीक है। ये पहले से ही कट होके ही आते हैं, यानी कि अंदर से ही इसके अंदर वो जो डिज़ाइन है पत्तों का वो रहता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये कुछ पुराने पत्ते हैं, जब ये कब के हैं, ये एक्चुअली समर के पत्ते हैं, ठीक है, सॉरी रेनी सीजन के हैं। यू कैन सी द साइज़ ऑफ दिस इज़ मच मच बिगर देन एनी अदर लीफ ऑन दिस पॉट। तो ये जो है उससे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, इससे बड़े भी शायद हो सकते हैं, मैंने कभी देखा नहीं। मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ हर हर थोड़े दिन में कोई ना कोई प्लांट के साथ, तो इस प्लांट के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया था मैंने कि ये जो ओल्डेस्ट यहाँ पे जो ये तगड़ा वाला जो बड़ा वाला स्टेम है उससे जो आया हुआ है ये इतना बड़ा है, इट्स बिगर देन माई पाम, ठीक है। लेकिन ये मॉन्स्टेरा डेलिशियोसा जो है ये इट विल बी मच बिगर। अगले 2 महीने के बाद मैं फिर इसकी वीडियो लूँगा, अगर कोई ख़रीदता नहीं है तो, एंड देन विल सी द कंपेरिजन अबाउट बिटवीन दीज 2-3 मॉन्स्टेराज। ये वाला छोटकू सा है, छोटा सा मॉन्स्टेरा। मैंने जब भी थोड़ी जो पोस्ट डाली थी मॉन्स्टेरा की पहली वाली, वन ऑफ माई रेगुलर कस्टमर्स, अरे ये वाला देखो ये डैमेज हो रहा है यहाँ पर, वन ऑफ माई रेगुलर कस्टमर्स शी मैसेज्ड मी एंड शी टोल्ड मी दैट शी इज़ गोइंग टू, वो आएंगे और मुझसे जो मेरे पास जो मॉन्स्टेरा हैं वो ख़रीदने की वो सोच रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि वो ख़रीदते हैं कि नहीं। अगर नहीं ख़रीदते हैं तो फिर मेरे पास ये रहेगा और कुछ दिन, और फिर मैं और वीडियोस इसके बारे में मैं बताऊंगा। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। ऐसे मैंने इसको मॉस पोल है, एंड देन देर इज़ अ 14-इंच वाइट प्लास्टिक
पॉट, फाइबर का पॉट है जो इंडोर सेटिंग के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इफ़ यू वांट दिस जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप और ऑन कमेंट, यहाँ पे कमेंट कर दो एंड देन विल सी हाउ वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन डू फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।